1 minute meditation. Five. Four. Three. Two. One. Zero. Very good, friends. Wonderful. Friends, अमेरिका में एक रिसर्च हुआ और रिसर्च में ऐसा पता चल गया कि एक हाउसवाइफ घर में है और उनका डोरबेल बज गया. डोरबेल का कोई आ गया. जनरली उधर जनरली ज़्यादा से ज़्यादा डोरबेल नहीं बजाते हैं, क्यों जनरली ज़्यादा लोग अपॉइंटमेंट लेके ही आते हैं. बट कोई अचानक कोई इम्पोर्टेंट है, फोन नहीं काम कर रहा, कोई कभी कभी कोई आए तो डोरबेल बजाते हैं ना. तो वो जस्ट आके देखना है क्या है, कौन है. सर्वेलेंस कैमरा भी आ जाते हैं, रहते हैं, वीडियो में देखना है कौन है, सब बात करना है. बट इसमें क्या है, वो डोरबेल बजाने में उनको बहुत टेंशन आ गया. अरे कौन हो सकता है करके इतना टेंशन आ गया कि पॉइंट ब्लैंक रेंज में गन को रख लिया तो कितना टेंशन आ जाता, उतना टेंशन आ गया. सो इसमें क्या है, छोटे छोटे चीज़ों को बहुत बड़ा बड़ा एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस आने वाला वो वैसा डिसीजेस आ रहा है. अमेरिका में बहुत सारा डिसीजेस आ रहा है, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा था. डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस, टोटल छोटे चीज़ों अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, कोई कौन भी आ सकते, कोई भी आ सकते, बट डकार आ गया क्या, थीफ आ गया क्या, कोई आके मुझे मारने के लिए आ रहा है क्या, कौन है करके इतना नेगेटिव थॉट्स और एंग्जाइटी अचानक से ऐसा आ रहा है बहुत सारे लोगों के, ऐसा पैटर्न हो गया है करके एक रिसर्च कर रहा था. सो ऐसा ही जैसे जैसे हमारा दुनिया में डिप्रेशन रेट बढ़ रहा है, दिल्ली में हर 5 लोगों में एक पर्सन को डिप्रेशन है करके, सुसाइड रेट्स बढ़ रहा है, सारा जैसे जैसे नेगेटिविटी भी बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉजिटिविटी भी बढ़ रहा है. वैसे वैसे हमारा मेडिटेशन में क्वालिटी और मेडिटेशन कर लिया तो आपको इतना आनंद और बहुत सारा वो भी आ जाते हैं. एक्सट्रीम जितना इधर जो दुनिया जितना एक्सट्रीम जा रहा है उतना एक्सट्रीम पॉजिटिवली जा रहा है. वही कलयुग का महत्व है. सो उधर जितना टेंशन में है हाउसवाइफ घर में रहते छोटे छोटे सभी बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा है. बहुत सारे लोगों को आ रहा है. ऑलरेडी दुनिया में ऐसा होते हैं. तो वो लोग मेडिटेशन जब मेडिटेशन करते हैं और कुछ ध्यान प्रचार के लिए काम करते हैं, दोनों कर लिया तो क्या हो जाते हैं उनको, वैसा वैसा भी गिफ्ट भी ज़्यादा आ जाते हैं. टेंशन भी कितना आ गया, जो टेंशन ज़्यादा आने वाले लोगों को गिफ्ट्स भी उतना ज़्यादा आ जाते हैं. बहुत सारा बेनिफिट्स भी, आनंद भी इतना ही आ जाते हैं. एक बार मैं जॉब कर रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब करने के वक्त, तब मेरा फ्रेंड एक वॉकिंग मेडिटेशन का एक आर्टिकल, जस्ट 20-30 लाइन्स का, वॉकिंग करने के वक्त हैंड्स को लेग्स को ऑब्जर्व कर लो
ऐसा करके एक छोटा सा एक दो पैराग्राफ वाला से मुझे ईमेल आ गया। तो ईमेल आने के बाद जस्ट पढ़ लिया, पढ़ने के बाद मैं सोचा अरे आज तो मैं घर को ऑटो में नहीं जाता, वॉकिंग में जाता हूँ, क्योंकि 5 किलोमीटर है घर को। तो 5 किलोमीटर में लगभग 1 घंटा 1 1.5 आवर ले लिया, धीरे से वॉकिंग कर रहा था ना। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा ले लिया अच्छे से, क्योंकि ये वॉकिंग करने के बाद क्या करना है, हम हैंड्स को और लेग्स को ऑब्जर्व करते हुए वॉक करना है, हैंड्स के अंदर वाइब्रेशंस को, लेग्स के अंदर वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व करते ऑब्जर्व करते ऑब्जर्व करते, हमेशा उसके ऊपर ऑब्जर्व करते हुए वॉक करना है। तो मैं ऐसा ऑब्जर्व करते हुए अच्छे से वॉक कर लिया। तो वॉक करने के बाद घर को आ गया, आने के बाद ऐसा फेस वॉश करने के लिए पानी ऐसा करने के लिए ऐसा टच कर लिया, मेरा हैंड्स फेस, जब फेस को टच कर लिया बहुत आनंद और प्रेम मिला मुझे। मेरे हैंड्स का टच इतना प्रेम पूर्वक रहते हैं कि मेरा हैंड्स का टच, मेरा सेल्फ टच, मुझे डिफरेंस बहुत पता चल गया। अरे नॉर्मली हमारा बॉडी, हमारा हैंड्स हमारा बॉडी को टच कर ले तो नॉर्मल ही रहते हैं, कैसे रहते हैं हमको पता है ना, पर उससे भी बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत आनंद पूर्वक, बहुत बेस्ट टच लगा मुझे। अरे वाह, इतना इतना कमाल हो गया मेरा वॉकिंग मेडिटेशन का रिजल्ट, तभी का आज वही दिन में आ गया, 1 घंटे में आ गया करके सरप्राइज हो गया हूं मैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा ही हमारा, जब भी हमारा एनर्जी बहुत बढ़ जाते हैं शरीर में और ऑरा में, हमारा खुद का जस्ट ऐसे नॉर्मल टच भी हमको इतना आनंद देते हैं कि छोटा ही से नॉर्मल ही है, नॉर्मल टच ही है, बट आनंद बहुत देते हैं। उधर छोटा, उधर जैसा छोटा ही, जस्ट कोई आके डोरबेल बजाया बस, कोई भी आ सकते हैं, बट उसमें बहुत टेंशन आ गया। ऐसा ही है तो नॉर्मल टच ही है बट बहुत आनंद आ जाते हैं। ऐसा हैंड, ऐसा ऐसा जैसे जैसे मुझे एनर्जी बढ़ता रहा ध्यान का माध्यम से, और जिस जैसे नॉर्मली ऐसा हैंड ऐसा नॉर्मली मूव कर लिया बस, हैंड ऐसा नॉर्मली मूव करने से इतना आनंद की, अरे ऐसे आनंद कैसे आ सकते हैं कि इतना आनंद की एक पर्सन, एक साइंटिस्ट 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, नहीं तो 40 ईयर्स पूरा रिसर्च करके करके एक इन्वेंट करके उसके बाद नोबेल प्राइज का अवार्ड ले रहा, तो 10,000 पीपल यहाँ, बहुत सारे लोग खड़े होके क्लैप्स कर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा, तो कितना आनंद आ जाता है एक साइंटिस्ट को, अरे वाह मैं इतना सारा इतना सालों का रिसर्च, अभी मैं प्राइज, नोबेल प्राइज मिलके सभी लोग अक्नॉलेज भी कर रहा है, और ये रिसर्च फ्यूचर में बहुत सारे लोगों को हेल्प हेल्प करने वाले करके, एक साइंटिस्ट को एक सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस, एक अंदर का एक बहुत अच्छा फीलिंग आ जाते हैं ना, उतना अच्छा फीलिंग जस्ट केवल ऐसा हैंड ऐसा मूव करने से। उसे भी बता नहीं सकती इतना आनंद कैसे आ सकते हैं। अरे मैं जो दुनिया के लिए, विश्व के लिए, ये साइंटिस्ट ने इतना अच्छे से कर लिया रिसर्च करके, इन्वेंट कर लिया ताकि वो बहुत सालों के फ्यूचर जनरेशन वालों को, सभी को यूजफुल हो जाते, इतना सारा उसको कितना सेटिस्फेक्शन होते हैं, उससे भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे ऐसा हैंड ऐसा मूव करने में क्यों हो रहा है, इतना और भी हैप्पीनेस, और भी ब्लिसफुलनेस, ये जस्ट हैंड ऐसा मूव करने से हमें, कोई भी बात करने में, कोई वॉकिंग करने में, कोई कोई भी काम करने में इतना सारा हैप्पीनेस, इतना सेटिस्फेक्शन। ये नॉर्मल काम ही कर रहा है, इधर जैसे इधर लेके प्लेट को इधर लेके इधर रख रहा है बस, उससे भी उसमें इतना हैप्पीनेस क्यों आ रहा है। सो ऐसा ही आ जाते हैं फ्रेंड्स, ये फॉर्मूलास को, दो फॉर्मूलास को पकड़ना है हमारे लाइफ में। इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो हमारा एनर्जीज नेगेटिव तरफ पे चला जाते हैं, जो मानव सेवा के लिए अच्छे से यूज करना है हमारे एनर्जीज को। जब भी हमारा एनर्जीज नहीं यूज कर लिया तो क्या हो जाते हैं, हमारा खुद जो कुछ भी काम कर रहा है वो उसमें टेंशन आ जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाते हैं काम नहीं कर लिया तो इसलिए कहते हैं कि
आइडियल मैंस वर्क माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप करके, हम ना कुछ भी काम नहीं है तो हमारा ब्रेन में और दिमाग में सारा नेगेटिविटी आ जाता है, क्योंकि आइडियल मैंस माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप करके कहते हैं, ये नेगेटिविटी है। ऐसा भी एग्जैक्टली पॉजिटिव, उससे एग्जैक्ट जितना नेगेटिव इधर है इतना पॉजिटिव भी उधर ही है। वो पॉजिटिविटी है कि फ्रेंड्स जो हमारा मेडिटेशन माइंड्स वर्कशॉप माइंड मेडिटेशन जो ध्यान का माइंड का है, गॉड्स का वर्कशॉप है। तो जब भी मेडिटेशन में सोच विचार के बिना रहते तो इतना ब्लिस आनंद आ जाता, इतना आनंद आ जाता है कि आपका अरे आपका लाइफ धन्य हो जाते हैं। आपका ही लाइफ नहीं, आपका आनंद से विश्व भी परितृप्त हो जाते हैं। आनंद ही आपका सबसे श्रेष्ठ सेवा है विश्व में। सो फ्रेंड्स अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए एक एक सेकंड में, जितना जब भी ध्यान करते हैं अच्छे से ध्यान कर लीजिए और ऑब्जर्व भी कर लीजिए। कभी कभी शरीर को भी ऑब्जर्व कर लिया तो शरीर का एक एक कण भी आनंदपूर्वक फील करते हैं। सो शरीर को ऑब्जर्व कर लिया तो वो मास्टर लेवल पे शरीर और शरीर के अंदर का तल पे ऑब्जर्व कर लेते हैं। शरीर के अंदर एक ब्लिसफुलनेस है, आनंद है, उसको ऑब्जर्व करना वो मास्टरी है और ग्रेट मास्टरी है। आनंद को शेयर करना ग्रैंड मास्टरी है, पूरा विश्व के साथ हमेशा कनेक्शन में रहना, ऑब्जर्व करना पूरा विश्व का साथ, पूरा परब्रह्म स्वरूप के साथ कनेक्शन में रहना ही ग्रैंड मास्टरी है। हमेशा ग्रैंड मास्टरी में रहते रहना फ्रेंड्स, अंदर बाहर सर्वत्र सर्वकाला अभी इधर, वो ग्रैंड मास्टरी फ्रीक्वेंसी है। वेरी गुड फ्रेंड्स, 1 मिनट मेडिटेशन। फाइव ओपन आइज और क्लोज आइज मेडिटेशन अप टू यू। फोर थ्री टू वन जीरो वेरी गुड वंडरफुल फ्रेंड्स, ये टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर लीजिए। कलयुग में रहने का समय को बहुत ही यूटिलाइज कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स हाइटन हाय और लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट के साथ थ्री परम गुरु सदा ब्रह्मानंद स्थिति में रमित रमन करते हैं। सबको ब्रह्मानंद ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति रस्तु। तो लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं। वन जीरो थ्री टाइम्स राइट साइड वन एनर्जी फील करते हैं। टू थ्री लेफ्ट साइड
1 2 3, वेरी गुड, नमस्कार मुद्रा। फाइव, थैंक यू थैंक यू, हार्टफुल थैंक्स टू ऑल द गुरुस, हार्टफुल थैंक्स टू गुरु शक्ति विश्व शक्ति, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वननेस वननेस वननेस, वेरी गुड फ्रेंड्स, थैंक यू। ओके नाना,